वेलकम टू दिस चैनल। हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइथन प्रोजेक्ट, जो कि आपकी क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस में हेल्पफुल रहेगी। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को और आईपी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना होता है, तो ये सीरीज उसी के रिगार्डिंग है। इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैं विद कोडिंग आपको बताऊँगी, जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करने हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कोविड-19 अपडेट। ये प्रोजेक्ट कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है। लास्ट 1.5 ईयर से हम कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और ये भी मालूम होगा शायद आपको कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और वर्ल्डोमीटर्स पूरे वर्ल्ड का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट कंट्री वाइज, लाइक नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्डोमीटर डेटाबेस, दे आर मेंटेनिंग दिस डेटाबेस ऑफ कोरोना वायरस। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो CBSE गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी और लाइक टेबल क्रिएशन और हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू द टेबल, हाउ टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल विद द हेल्प ऑफ द PY फाइल, ये शो करके दिखाना है इन योर प्रोजेक्ट। और IP स्टूडेंट्स के लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ साथ और आइदर पांडास के थ्रू मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंगली अमेंड भी कर सकते हैं, बट एक जस्ट मिल जाएगा आपको कि प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिस ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए इफ़ यू पीपल फील लाइक, इट्स अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इस प्रोजेक्ट में हमने आई एम टेकिंग टू फाइल फॉर्मेट्स। डेटा आप इंटरनेट से फेच करके CSV फाइल फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, और सेकेंड पॉइंट में आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम PY फाइल और टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हैं। अगेन इस पार्ट पे भी आप डेटा जो फेच कर रहे हैं वो आप थ्रू इंटरनेट फेच कर रहे हैं। दैट मीन्स लिमिटेशन क्या है इस प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस हैं कि आपके पास आपका हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए, इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर फेचिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द इंटरनेट। दिस एक्चुअली इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग, इसको हम वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। सो ये प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को भी ये प्रोजेक्ट, लाइक BCA वाले BCA स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड दोज हु आर टेकिंग एज अ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, सी जस्ट मिल जाएगा एंड दे कैन यू नो एम्पलीफाई दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्रोजेक्ट। सो CSV के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, डेटाबेस के रिगार्डिंग बता दिया, थर्ड पार्ट जो मैंने इंक्लूड किया है वो डेस्कटॉप नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इंक्लूड किया है। इस केस में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा स्क्रीन के ऊपर कंट्री वाइज, कि पर्टिकुलर कंट्री के नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, नंबर ऑफ डेथ इन्वॉल्व, नंबर ऑफ यू नो टोटल केसेस इन्वॉल्व। सो लेट मी फर्स्ट शो यू कि प्रोजेक्ट आपका रन कैसे होगा, शो कैसे होगा, उसके बाद हम कोडिंग पार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आप पाइचाम भी यूज़ कर सकते हैं, जुपाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थॉनी एनवायरनमेंट को यूज़ किया है,
आप आइडियली पे भी वर्क कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल. And I am going to run this file. Let me first check whether my internet is on or not. Yeah, my internet is on. So this is the executable file. ये dot executable file है, right? Just check it out. देखिए हम इस tab पे click करेंगे, desktop notification tab पे. See here. अगेन स्मॉल विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे हम लेट्स आई वॉन्ट टू सी द डिटेल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो मैं यहाँ पे कंट्री नेम मेंशन करके और क्लिक मी पे जैसे क्लिक, इट विल सी गिव मी द डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन हेयर ऑन द डेस्कटॉप एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट. नेक्स्ट इज इफ यू click over here on this tab, CSV tab. This tab actually creates a file if the file is not there. .csv file बना देगा और data fetch करके CSV file के अंदर आपका store कर देगा, ठीक है. आप just click करिए tab पे, ये देखिए it will take time. Now फाइल रिकॉर्ड्स फेच होकर के, नेट से फेच होकर के आपकी फाइल के अंदर स्टोर हो गए हैं. लेट मी शो यू, ये मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे. आई एम गोइंग टू ओपन, ये देखिए कोविड डॉट सी एस वी नेम से मैंने क्रिएट किया. दिस आर द डिटेल्स, कंट्री वाइज डिटेल्स हेयर. टोटल जितनी कंट्रीज हैं उसके रिलेटेड डिटेल्स उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया, राइट. अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये मैडम ने डिटेल्स ऑलरेडी फीड कर रखे हैं और तो हम उनको भी शो कर देते हैं. देखिए हम डिटेल्स को डिलीट कर रहे हैं और इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं और फिर उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं. ये देखिए क्लिक किया मैंने, थोड़ा टाइम लेगा, डिटेल आपकी सी एस एफ में फॉर्मेट में स्टोर हो गई हैं. अब आपको दिखा देते हैं, फाइल ओपन करते हैं अगेन. ये देखिए ये डिटेल्स आपकी फेच हो करके सी एस वी फॉर्मेट में स्टोर हो गई हैं. नेक्स्ट जो मेरा पार्ट था, जो फॉर्मेट था, सी दिस इज यूज फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस, दिस इज यूज फॉर क्रिएटिंग द टेबल एंड दिस इज यूज टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इन द टेबल, ठीक है. तो हमारे पास हमारे कोर्स में माई एस क्यू एल है, हम ये चेक कर लेते हैं. पहले हम आपको दिखा देते हैं, माई एस क्यू एल ओपन कर रहे हैं, राइट. आपको ये पता होगा कि डेटाबेस शो करने के लिए कमांड ये होती है, कोरोना डेटाबेस इज ऑलरेडी देयर. आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस डेटाबेस फर्स्ट. मैं आपको ड्रॉप करके दिखा देती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा डेटा पी वाई फाइल, डेटाबेस पी वाई फाइल के थ्रू बन रहा है. नाउ ड्रॉप हो गया, लेट मी शो यू वंस अगेन. देखिए ये ड्रॉप हो गया डेटाबेस, अब नहीं है. अब हम पी वाई फाइल के थ्रू इस डेटाबेस को क्रिएट करेंगे. क्रिएट किया हमने डेटाबेस, ये देखिए डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया. लेट मी शो यू वंस अगेन, ये देखिए, ये देखिए कोरोना डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया. नाउ अब इस डेटाबेस में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे थ्रू अगेन द पी वाई फाइल. टेबल क्रिएट किया, ये देखिए अब डेटाबेस के यूज कर लेते हैं, राइट. ये कमांड्स आपको मालूम होंगी. अब हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, टेबल हमारी बन चुकी है, शो टेबल कोरोना अंडरस्कोर अपडेट के नेम से टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है. अभी इस टेबल के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं पड़ा हुआ है. लेट मी शो यू दिस ऑल्सो. ठीक है, एम्प्टी सेट है. अब आप पी फाइव फाइल के थ्रू इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे. देखिए आपने इस टैब को क्लिक किया, रिकॉर्ड्स फेच होकर के, स्क्रैप होकर के, वेब स्क्रैपिंग होकर के रिकॉर्ड फेच कहाँ से हो रहा है आपका,
नेट से हो रहा है और हमने टेबल जो क्रिएट करी है उस टेबल के अंदर उस डेटा को हमने स्टोर कर लिया है। लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। ये देखिए अब हमारी टेबल बन गई थी, अब हम आपको रिकॉर्ड्स दिखा देते हैं। ये देखिए ये रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। सो होप आपको ये इस प्रोजेक्ट का जस्ट समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब दोज हु वांट्स अ कोडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन गिव यू द कोडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड इट विल हेल्प यू इन मेकिंग द प्रोजेक्ट फॉर क्लास 12th. सो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर।